दोस्तों वेलकम टू माय चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स। दोस्तों एक बार जब दांतों की चमक ख़राब हो जाती है, दांतों में पीलापन आ जाता है, तो हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, कितना भी ब्रश रगड़ लें, कितना भी टूथपेस्ट से साफ कर लें, दांतों का पीलापन नहीं जा पाता। दोस्तों पीले दांत ना सिर्फ हमारे चेहरे की चमक को ख़राब करते हैं बल्कि हमारे कॉन्फिडेंस को भी ख़त्म करते हैं। दांत अगर सुंदर सफ़ेद चमकदार हों तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और हमारे चेहरे की खूबसूरती भी बढ़ जाती है। अगर आप भी दोस्तों दांतों के दर्द से परेशान हैं, दांत में कीड़ा लग चुका है, किस तरह से घरेलू नुस्खे से आप इस समस्या को खत्म कर सकते हैं, दांत से कीड़ा आराम से निकाल सकते हैं, चाहे बच्चे हों चाहे बूढ़े हों, दोस्तों दांतों में दर्द की समस्या, दांतों में कीड़ा लग जाना सभी के साथ हो ही जाता है। तो आज एक ऐसा घरेलू नुस्खा, एक ऐसा असरदार नुस्खा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, आपके दांतों के दर्द में भी आराम करेगा और साथ ही दोस्तों ये नुस्खा आपके दांतों से कीड़े को भी निकाल देता है। दांतों में कीड़ा लगने का सबसे बड़ा कारण है दोस्तों कि जब हम रात में खाना खाते हैं तो सोते समय हम लोग ब्रश नहीं करते, दांतों को साफ नहीं करते। रात में सोने से पहले दांतों को साफ करना, दांतों में ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं तो दांतों में जो खाना फंसा रह जाता है, जो भोजन के कण फंसे रह जाते हैं, वो हमारे दांतों में जा करके कैविटी पैदा करते हैं, दांतों में सड़न पैदा करते हैं और इसी वजह से दांतों में पीलापन भी आ जाता है। यहाँ पर मैंने फिटकरी ली है दोस्तों, फिटकरी को एलम भी कहते हैं। दोस्तों फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल तत्व होते हैं जो कि दांतों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अधिक फायदा करते हैं। अगर आप रोज़ाना फिटकरी का इस्तेमाल करेंगे ना दोस्तों, तो ना केवल दांतों की कैविटी ख़त्म होगी बल्कि दांतों की सफ़ेदी भी बढ़ेगी, दांतों का पीलापन ख़त्म हो जाएगा और साथ ही दांतों से, मसूड़ों से अगर आपके खून आता है ना, तो वो भी फिटकरी के इस्तेमाल से ठीक हो जाता है। दांत के दर्द को दूर करती है, दांत के कीड़े को बहुत आसानी से निकालती है फिटकरी। एक छोटा टुकड़ा फिटकरी का ले लेंगे और इसको हम हमाम दस्ते में पीस लेंगे, इसका एक चूर्ण जैसा, एक पाउडर जैसा बना लेंगे। फिटकरी में एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। आपने देखा होगा कि नाई लोग जब शेव बनाते हैं तो फिटकरी का इस्तेमाल ज़रूर करते हैं, क्योंकि दोस्तों इससे जो भी ज़ख्म है, जो घाव है, जो कट है, वो भर जाते हैं। तो इन्हीं एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज़ के कारण फिटकरी को इस्तेमाल किया जाता है। दूसरी चीज़ यहाँ पर लेनी है दोस्तों, मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों का तेल। सरसों का तेल तो हम सभी जानते हैं कि दांतों में अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। जब भी दांत में दर्द होती है तो सरसों के तेल से मसाज करें, दांतों का दर्द खत्म हो जाता है। सरसों के तेल नमक मिलाकर अगर आप मंजन करते हैं तो दांतों का पीलापन खत्म होता है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है सरसों का तेल दोस्तों। जब आपके दांतों में दर्द हो, सरसों के तेल से मसाज करें, सरसों के तेल को हल्का गर्म कर लें, दर्द वाली जगह पर लगाएंगे तो तुरंत दांत का दर्द जो है वो खत्म हो जाएगा। और दांत में अगर कीड़ा भी लग जाता है ना दोस्तों, तो सरसों का तेल उस कीड़े को निकालने में बहुत ही ज़्यादा फायदा करता है। तो यहाँ पर सरसों का तेल आपको ले लेना है, करीबन आधा चम्मच मैंने सरसों का तेल डाला है। और अब हम इसमें मिलाएंगे जो फिटकरी का पाउडर हमने तैयार किया है, एक चौथाई चम्मच हम इसमें फिटकरी का पाउडर मिला देंगे। फिटकरी का पाउडर और सरसों का तेल और साथ में तीसरी चीज़ आपको जो लेनी है दोस्तों, वो है हल्दी पाउडर। हल्दी भी एंटीबैक्टीरियल होती है, एंटीसेप्टिक होती है, जो कि दांतों के कीड़े को बहुत आसानी से निकालती है, दांतों के दर्द को ठीक करती है। दांतों में कोई भी सड़न है, इन्फेक्शन है, दांतों में पीलापन आ गया है, तो सरसों के तेल में हल्दी मिला करके अगर आप दांतों पर मसाज करते हैं तो उससे दांतों का दर्द खत्म होता है, दांतों का पीलापन खत्म होता है। सरसों का तेल, फिटकरी और हल्दी, बस ये तीनों चीज़ें आपको ले लेनी है। तीनों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने तीनों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तीनों चीज़ें आपस में अच्छे से घुल मिल गई हैं। अगली चीज़ जो आपको इसमें डालनी है दोस्तों, वो है सेंधा नमक। सेंधा नमक क्या करता है दोस्तों, मसूड़ों की इन्फ्लेमेशन को, मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करता है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मसूड़ों में स्वेलिंग आ जाती है, मसूड़ों में सूजन आ जाती है, तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करने से मसूड़ों की सूजन खत्म होती है, दांतों का पीलापन दूर होता है, दांतों में दर्द भी खत्म होता है। जब दांतों में कीड़ा लग जाता है तो दांतों के आसपास की जो स्किन होती है, जो मसूड़े होते हैं, वो सूज जाते हैं और उनमें दर्द होने लगता है। तो सेंधा नमक से आप मसाज करें, दांतों की सूजन को ये ख़त्म करता है, मसूड़ों की सूजन को ख़त्म करता है, दांतों के दर्द भी राहत दे, दांतों के कीड़े को बाहर निकालने के लिए सेंधा नमक बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। तो थोड़ा सा हमने यहाँ सेंधा नमक लिया है, इसको अच्छे से हम पीस लेंगे। तो अब आपको डालना है इसमें लगभग एक चुटकी सेंधा नमक। बस ये चारों चीज़ें आपको मिलानी,
आधा चम्मच मैंने सरसों का तेल लिया है, एक चौथाई चम्मच मैंने फिटकरी ली है, एक चौथाई चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है इसमें, और थोड़ा सा मैंने एक चुटकी के करीब इसमें सेंधा नमक मिलाया है। बस इन चारों चीज़ों को आप अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। तो ये हमारा जो पेस्ट है ये बनकर के तैयार हो गया है। इसको कैसे इस्तेमाल करना है दोस्तों, अगर आपके दांतों में दर्द है, दांतों में कीड़ा लग गया है, जैसे कई बार नीचे के दांतों में कीड़ा लग जाता है, दाढ़ में कीड़ा लग जाता है, तो आप क्या करें, एक रुई का छोटा सा फाहा ले लें और इसको अच्छे तरीके से ये जो लेप हमने तैयार किया है रुई पर लगा लें। ये देखिए, अच्छे से रुई को आपको इसमें डिप कर देना है और अच्छे तरीके से रुई को भिगो लेना है इसमें। ये देखिए, अच्छे से मैंने लगा लिया है। अब आप क्या करें, नीचे के दांतों में अगर आपके कीड़ा लगा है, नीचे वाली दाढ़ में, तो आप रुई के फाहे को नीचे वाली दाढ़ पर इस तरह से रख दें और ऊपर के दांत से इसको दबा लें। इस तरह से ऊपर वाली दाढ़ से इसको दबा लें और कम से कम 5 से 10 मिनट तक आप इसको दबा करके रखें। तुरंत आपको दांतों के दर्द से आराम मिलेगा। और जब हम दांतों में ये रुई को दबा लेते हैं ना दोस्तों, तो मुंह में लार बनने लगती है। उस लार को आप अंदर ना लें, उस लार को आप थूक दें, इससे जो दांतों का दर्द है, दांतों का कीड़ा है, तुरंत ही निकल जाएगा। और अगर दोस्तों आपके ऊपर वाले दांत में दर्द होता है तब क्या करना है, तब आपको टूथब्रश ले लेना है। जो टूथब्रश आप यूज़ करते हैं, टूथब्रश ले लें, टूथब्रश में अच्छे तरीके से इस पेस्ट को लगा लें। इस तरह से पेस्ट को हमने टूथब्रश में लगा लिया है। पेस्ट लगाने के बाद में आप इससे ऊपर वाले दाढ़ पर ब्रश करें। हल्के हल्के हाथों से आपको ब्रश करना है, हल्के हाथों से इसको लगा लेना है। ब्रश इस तरीके से करना है कि पूरा जो लेप है आपके दांतों पर अच्छे से लग जाए। चाहे तो आप उंगली से भी इसको लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उंगली की मदद से लगाएं। अगर आप ब्रश इस्तेमाल नहीं करना चाहते, उंगली से इसको पूरे दांत पर लगा लें और लगाने के बाद में इसको पूरी रात के लिए इसी तरह से लगा हुआ छोड़ दें। कोई नुकसान नहीं करता है। साफ सोचेंगे कि नुकसान करेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। रात भर में दोस्तों आपके दांतों का दर्द खत्म हो जाएगा, दांतों का कीड़ा निकल जाएगा, और अगर आपके दांतों से खून आता है, मसूड़े में सूजन है, तो वो भी खत्म हो जाएगी। और कई बार ऐसा होता है कि दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, खास करके जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो बिल्कुल भी दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो इसके लिए आप क्या करें, फूल वाला लौंग ले लें। इस तरह से फूल वाला लौंग ले लें और लौंग को आप क्या करें, हमाम दस्ते में थोड़ा सा पीस लें। थोड़ा सा आपको पाउडर लेना है और जिस दांत में दर्द है ना, उस दांत में आप इसको लगा लें। लगाने के बाद में जिस तरह से मैंने बताया, चाहे तो आप कॉटन दबा सकते हैं मुंह में, या फिर इसी तरह से आप लगा कर रखें और इस दौरान मुँह में जो लार बनती है उसको थूकते रहें। तुरंत ही आपको दांतों के दर्द से आराम मिलेगा। आप देखते हैं ना, आजकल टूथपेस्ट वगैरह में लौंग का इस्तेमाल किया जाता है। लौंग वाला टूथपेस्ट है, हल्दी वाला टूथपेस्ट है, नमक वाला टूथपेस्ट। लेकिन दोस्तों, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उनके बारे में तो हम नहीं जानते कि वो कितना असर करेंगी, कितना नहीं करेंगी। लेकिन ये जो घरेलू नुस्खे हैं, ये जो हम अपने सामने नुस्खा तैयार कर रहे हैं, हमें पता है कि इसमें हल्दी भी है, इसमें नमक भी है, इसमें लौंग भी है, इसमें फिटकरी भी है। तो ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं, ये कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, कहीं ज़्यादा असरदार होते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल लुक्स एंड फ्लेवर्स को सब्सक्राइब करें।